Hey guys, I'm back with another interesting video. और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं Realme 9 Pro के बारे में. This phone is really amazing क्योंकि इस बार Realme collab किया है Cadog के साथ. इस बार हम लोगों को न्यू प्राइमरी कैमरा Realme 9 Pro के अंदर देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे ऑफिशियल कन्फर्मेशन यहाँ पर रिवील हो चुके हैं. तो अगर आप लोग भी वेट कर रहे थे Realme 9 Pro के लिए तो फाइनली ये फ़ोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है. प्लस यहाँ पर ऑफिशियली रिवील भी हुआ है कि Realme 9 Pro ना एक कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला है जो रियली में काफी अमेजिंग होने वाला है. तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो ना अपकमिंग Realme 9 Pro के लिए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं Realme 9 Pro के कंफर्म स्पेक्स, प्राइसिंग और इंडिया रिलीज डेट के बारे में कि ये फोन एक्सपेक्टेड इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, जिसके लिए बहुत सारे यूजर्स वेट भी कर रहे हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Realme 9 Pro के कन्फर्म स्पेक्स से. ट्विटर अकाउंट पे ना ऑफिशियल इस फोन के स्पेक्स रिवील हो चुका है. डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है कि इस फोन के अंदर 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड पैनल डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो काफी अमेजिंग होने वाला है 480 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ. और प्लस यहाँ पे कन्फर्म है कि 6.7 इंच का डिस्प्ले होने वाला है. फुल HD प्लस का रेजुलेशन, सुपर एमोलेड का पैनल मिल रहा तो कन्फर्म है यार डिस्प्ले काफी अमेजिंग होने वाला है. प्लस यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा जो एक लेटेस्ट जेन का फिंगरप्रिंट होने वाला है इस फोन के अंदर. प्लस यहाँ पे ऑलवेज सेल्फी के लिए सिंगल पंच होल मिलेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर. और यार एक बात आप भूलो मत कि यार इस बार इस फोन के डिस्प्ले में ना कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो इस फोन का ना हाईलाइटिंग फीचर होगा. प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इस बार कन्फर्म है कि इस फोन के अंदर काफी अच्छा प्रोसेसर मिलने वाला है. मतलब पिछले सीरीज का जैसा नहीं कि कोई भी स्नैपड्रैगन का 7 सीरीज का एंट्री लेवल चिप मिले. इस बार कन्फर्म है कि इस फोन के अंदर पावरफुल कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 780G डुअल 5G SoC देखने को मिलेगा जो रियली में काफ़ी अमेजिंग होने वाला है. आप लोगों को काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफर करने वाला है. CPU परफॉर्मेंस रियली में काफ़ी अमेजिंग है स्नैपड्रैगन 780G चिप का. प्लस यहाँ पे 2.6 GHz का क्लॉक स्पीड मिलेगा इस फोन के अंदर जो एक हाईएस्ट क्लॉक स्पीड है. प्लस यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा. लाइक यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट काफ़ी अमेजिंग मिलेगा 8GB 256GB और स्टार्टिंग वेरियंट यहाँ पे 6GB 128GB. ये फोन ना एंड्रॉयड 12 पे रन करने वाला है. Realme का लेटेस्ट UI देखने को मिलेगा. कैमरे के बारे में बात करते हैं. जैसे कि OnePlus कोलैब किया था Hasselblad के कैमरा सेंसर्स के साथ, OnePlus के 9 सीरीज के अंदर हम लोगों को कैमराज मिला था जो Realme में काफ़ी अमेजिंग था. सिमिलर कुछ यहाँ पे Realme भी कोलैब किया है Cadog के कैमरा सेंसर्स के साथ. ऐसे यहाँ पे Realme 9 Pro के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा पर यहाँ पे प्राइमरी कैमरा में चेंज है क्योंकि यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का न्यू प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा. कैमरा सेंसर यहाँ पे Cadog का मिलने वाला है. ऐसे सेकेंड सेंसर 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, थर्ड सेंसर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग मिलेगा. फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में बात करते हैं. फ्रंट भी ओवरऑल काफ़ी अमेजिंग मिल रहा है 44 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा. बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि इस बार यार Realme ना काफ़ी अमेजिंग बैटरी ऑफर करने वाला है Realme 9 Pro के अंदर. हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी 6000 mAh का जो रियली में काफ़ी अमेजिंग होने वाला है. ओवरऑल यहाँ पे बैटरी बैकअप भी अमेजिंग इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा. और ऐसे चार्जिंग के लिए इस फोन के अंदर 67W या फिर 100W तक का फास्ट चार्जिंग मिलेगा जो रियली में काफ़ी अमेजिंग होने वाला है. ऐसे 3.5mm ऑडियो जैक भी कंटिन्यू रहने वाला है सीरीज के साथ. प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे Realme 9 Pro ना इस बार एक गेम चेंजर स्मार्टफोन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ना Realme 9 Pro का प्राइसिंग ऑफिशियली रिवील हो चुका है. Realme 9 Pro इंडिया के अंदर ना स्टार्टिंग वेरिएंट 20,000 rupees तक के प्राइस पॉइंट पे मिलेगा जो मिड रेंज सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पे अमेजिंग स्मार्टफोन होने वाला है. इसलिए यार इस फोन के अंदर स्पेक्स काफ़ी अमेजिंग दिया जा रहा. तो अगर आप लोग भी वेट कर रहे थे इस फोन के लिए तो फाइनली ये फोन ना ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि कैसा स्पेक्स के साथ आने वाला है. तो आप लोगों को कैसा लगा ये फोन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. ऐसे इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो Realme 8 सीरीज को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट बहुत दिन हो चुके हैं. तो फाइनली Realme 8 Pro का सक्सेसर Realme 9 Pro भी इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा. ऐसे कन्फर्म है कि नेक्स्ट महीने तक के मीडिया एंड तक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होने वाला है. दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.